हेलो, स्वागत है आपका मेरी तरफ। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पोहे से बनने वाला बहुत ही ज्यादा चटपटा सा, कुरकुरा सा, करारा सा नाश्ता। वैसे तो आपने पोहे के हजारों नाश्ते खाए होंगे, लेकिन गारंटी के साथ बता रहे ये नाश्ता खाना तो दूर की बात है, आपने पहले कभी देखा भी नहीं होगा। इस नाश्ते की खासियत ये है कि आप इसे एक बार बनाकर पूरे महीने स्टोर कर सकते हैं और नाश्ता बनाने के झंझट से आजादी पा सकते हैं। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है पोहा, मोटा महीन जो भी पोहा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वेट नहीं हमारा, मुश्किल से 10 ग्राम है, क्योंकि काफी ज्यादा लाइट वेट होता है। नाप में बताऊं तो एक बड़ी कटोरी है, अगर आपकी छोटी कटोरी है आपको 2 कटोरी लग जाएगा। आप कप से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बड़े साइज का बर्तन लेंगे, उसके अंदर अपने पोहे को हम ट्रांसफर कर देंगे फटाफट, बिना टाइम को बर्बाद किए। अब इसके बाद हमें रूम टेम्परेचर का पानी लेना है और इसको अच्छे से वॉश करना है, ताकि जितनी भी धूल मिट्टी है वो निकल जाए। तो यहाँ पे आपको इसे वॉश जरूर करना है, बिना वॉश किए पोहे को मत इस्तेमाल करना, क्योंकि काफी ज्यादा धूल मिट्टी लगी होती है जब ये मार्केट से आता है। तो देखिए पानी हमारा किस तरह से हो चुका है। तो 3 से 4 पानी वॉश करने के बाद लेकर आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखिए 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश कर दिया। अब इसमें बिल्कुल ही पानी नहीं जाएगा, क्योंकि हम पतला वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपका पोहा मोटा वाला है तो आप इसमें 3 से 4 चम्मच पानी डाल देना, ताकि अच्छे से फूल जाए। अब इसको हम साइड में रख देंगे ताकि ये फूले। तो यहाँ पे हमने एक दूसरा साइज का बर्तन ले लिया है और यहाँ पे अब हम एक काम करेंगे, क्या करेंगे आपको बताते हैं। अब इसमें हम ट्रांसफर करेंगे दही, जो हमारा 1 कप है छोटा वाला। अगर आपका बड़ा कप है तो आधा कप डालना, खट्टा दही होना चाहिए। और इसको अच्छे से आपको इस तरह से लेना है फेंट के। अब इस पर हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, तो थोड़ा सा हमने नमक डाला है। अब इसमें हम काला नमक डालेंगे, अगर आपके पास काला नमक ना हो तो यहाँ पे, अगर आपके पास काला नमक ना हो तो आप इसकी जगह पे व्हाइट नमक को थोड़ा सा और बढ़ा कर ले सकते हैं, या फिर इसके बिना ही बना सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें लेंगे आधा चम्मच अजवाइन, जिसको हम इस तरह से मसल कर डालेंगे। अजवाइन से बहुत ही अच्छा टेस्ट और खुशबू दोनों आएगी हमारे नाश्ते में। अब इसमें हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच धनिया, जिसको हमने मोटा मोटा कट कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच मोटी वाली सौंफ, इससे बहुत ही अच्छी टेस्ट और खुशबू दोनों आएगी, और नाश्ते का जो स्वाद है वो आपको बाद में भी याद आएगा, क्योंकि सौंफ आपको खाने के बाद महसूस होती है। थोड़ा सा हम टर्मरिक पाउडर डालेंगे 1/4 चम्मच तक। अब इसके बाद थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च, जो कलर के लिए है, अगर आपके पास ये वाला ना हो तो आप कुटी वाली भी डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच हम डालेंगे चाट मसाला, अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप लोग ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई भी डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच हम गरम मसाला डालेंगे, जो मेरा होममेड है। अब सारी चीजों को हम अच्छे से मिला देंगे दही के साथ, और इसे हमें बिल्कुल अच्छे से फेंटना है, ताकि सारे फ्लेवर आपस में मिल जाए। अब इसको हम साइड में रख देंगे ताकि ये सारे फ्लेवर अपने फ्लेवर छोड़ दे। तब तक हम क्या करते हैं, चलते हैं दूसरी तरफ, काम कर लेते हैं। यहाँ पे इसको रेस्ट करने के लिए दोनों चीजों को छोड़ देते हैं। अच्छे से गर्म कर लेंगे, ना इसके अंदर घी डालेंगे ना बटर डालेंगे। हम इसमें डालेंगे मसूर की दाल, अगर आपके पास धुली वाली मसूर की दाल ना हो तो आप इसकी जगह पे उड़द की धुली वाली दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या चने दाल को भी ले सकते हैं। यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच ऐड किया है, और यहाँ पे अब इसके साथ ही हम डालेंगे बारीक वाली राई। तो राई और सरसों अलग होती है, राई इस तरह से बिल्कुल बारीक होती है और सरसों के दाने मोटे मोटे होते हैं। तो इसको डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट आएगी। ये बहुत ही जल्दी उछलना शुरू कर देते हैं, तो इसीलिए आपका जब बर्तन बिल्कुल अच्छे से हो जाए तब डालिए, और इसको धीमी धीमी आंच पर भूनिए, ताकि दाल हमारी अच्छे से भुन जाए। ये देखिए इस तरह से हम मिक्स करते जाएंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। 10 से 15 सेकंड का टाइम लगेगा इसे भूनने में। जब ये उछल कूद करने लगे तब इसमें हम डालेंगे अदरक, जो हमने इस तरह से लंबा लंबा कट कर लिया है। ये हमारी 1.5 इंच की अदरक थी, और अदरक को भी अच्छे से भून लेंगे। तो अदरक डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट दोनों आएगा, और अदरक आपके शरीर को गर्माहट भी देती है, तो इसलिए जाड़े में आप अदरक का सेवन जरूर कीजिए डियर। अब इसके बाद हम इसमें 3 कलियां लहसुन की डालेंगे, क्योंकि हमारी मोटी मोटी है। अगर आपकी पतली है, छोटी है, तो आप इसमें 4 से 5 डाल लेना। 3 ग्रीन चिली डालेंगे, अगर आप लोग ज़्यादा तीखा नहीं खाते तो आप कम कर सकते हैं। और 7 से 8 हम कड़ी पत्ते डालेंगे। तो यहाँ पे कड़ी पत्ते डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आएगी और नाश्ते को बहुत ही प्यारा लुक भी मिलेगा। तो फ्रेंड ये देखिए 10 से 15 सेकंड हमें लगे हैं सारी चीज़ों को भूनने में, जलाया बिल्कुल भी नहीं है और आपको भी जलाना नहीं है। अब इसे हम निकाल कर ठंडा करेंगे। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से मैंने इसको निकाल दिया था, बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 चम्मच चाट मसाला, जो इसको चटपटा बनाएगा। अब इसमें हम 1/4 चम्मच नमक डालेंगे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालना, जितना नमक खाते हो। अब इसमें हम 1/2 चम्मच शुगर डालेंगे, जिसको शक्कर ही बोलते हैं, चीनी बोलते हैं, अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब इसमें हम डालेंगे नारियल के लच्छे, ये आपको आसानी से किसी भी शॉप में मिल जाते हैं, तो अगर आपके पास फ्रेश वाले ना हो तो इस तरह से सूखे वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच लिया। अब सारी चीजों को हम अच्छे से मिला देंगे और अब इसको हम मिक्सी के जार में ट्रांसफर करेंगे फटाफट। तो यहाँ पे फटाफट इसको ट्रांसफर कर देंगे सारा का सारा, और अब इसमें हम 3 से 4 चम्मच पानी डालेंगे, ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। और अब इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं।
तो फ्रेंड ये देखिए मैंने पीस लिया है, जरा पानी नहीं डाला था और देखिए कलर कितना प्यारा आया है। आप इस चटनी को ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं इस पर थोड़ा सा तड़का लगा के इसे बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाने के साथ साथ टेस्टी बनाऊंगी और आप इसे लंबे समय तक स्टोर भी कर पाएंगे तड़का लगाने के बाद। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने एक बड़ा चम्मच तेल को अच्छे से गर्म कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे राई, बारीक वाली राई है ये, और आपके पास ना हो तो आप सरसों के दाने भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे चौथाई चम्मच हींग, और अब इसी के साथ हम इसमें डालेंगे क्या आपको बताते हैं, ये हमारा मसाला है जिसमें हमने कुटा हुआ धनिया और जीरा काली मिर्च को इस तरह से हल्का सा भूनने के बाद कूट लिया। अगर आपको इसकी फुल रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। और ये गया हमारा कड़ी पत्ता, और इसको हम मिक्स करना मत भूलना, जब आप मिक्स करोगे तभी तो सारा टेस्ट निकल कर आएगा। और ये लीजिए तड़का हो गया हमारा रेडी, तो वेट किस बात का है, फटाफट हम इसके अंदर लगा देते हैं। और तड़का लगाने के बाद आपका किचन पूरा महक जाएगा, पड़ोसी भी पूछेंगे आपसे क्या स्पेशल बनना है। ये देखिए टेक्सचर आप इसका देख सकते हैं। इस चटनी को आप लोग एक बार जरूर ट्राई करना, बहुत ही ज्यादा हेल्दी है और ये साउथ की बहुत ही फेमस चटनी है। कौन कौन इस चटनी की रेसिपी को जानता था वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलिए गैस की तरफ एक पैन लिया, उसमें हमने एक बड़ा चम्मच तेल डाला है। जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे 10 से 15 मेथी के दाने, और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज का प्याज जो हमने मोटा मोटा कट कर लिया है। अगर आपके पास मेथी दाना ना हो तो आप इसकी जगह पे जीरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन करेंगे, तो 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। कंटिन्यू चलाते हुए हम प्याज को अच्छे से भूनेंगे। तो ये देखिए प्याज पे हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे अदरक जो हमने इस तरह से मोटा मोटा कूट लिया है। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं। अगर आप अदरक और प्याज नहीं खाते तो इसके बिना ही बना सकते हैं। अदरक को हम अच्छे से भूनेंगे ताकि इसकी स्मेल बिल्कुल खत्म हो जाए और टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब स्पाइसी बनाने के लिए हम इसमें एक ग्रीन चिली जो हमने मोटी मोटी कट की है ये डाल देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे एक इम्पॉर्टेंट चीज, वो है कड़ी लीव, जिसको मीठी नीम भी बोलते हैं, कड़ी पत्ता भी बोलते हैं। आपकी तरफ क्या बोला जाता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो यहाँ पे 5 से 6 लिया है। इसको डालने से बहुत ही अच्छा लुक भी आता है और खुशबू बहुत प्यारी आती है। अब सारी चीजों को हम धीमी धीमी आंच पर अच्छे से पका लेंगे। तो ये देखिए सारा फ्लेवर हमारा बिल्कुल अच्छे से निकल आया है और कलर भी हमारी प्याज छोड़ने लगी है गोल्डन ब्राउन। अब इसके अंदर हम एक चीज डालेंगे, वो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है, क्या है आपको बताते हैं। तो फ्रेंड वो है सब्जियों का राजा आलू, जो हमने 300 ग्राम लिया है। अगर आपकी फैमिली बहुत ज्यादा लंबी है तो आप आलू की मात्रा को बढ़ा लेना। तो यहाँ पे आलू को बॉईल करने के बाद मैंने मैश कर लिया है, आप चाहे तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी कीजिए ठंडा करने के बाद ही करना। गरम आलू का इस रेसिपी में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा। आलू डाल के हम सारी चीजों को वापस से भूनेंगे ताकि सारे फ्लेवर आलू में मिल जाए अच्छे से। तो फ्रेंड देखिए आलू को बिल्कुल अच्छे से भून दिया है और सारा आलू का जितना भी मॉइस्चर था वो खत्म हो गया और इस तरह से आलू पैन छोड़ने लगा है। अब इसके बाद हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, तो जितना नमक आपको पसंद है आप उतना अपने हिसाब से डालना। नमक हमें आलू को भूनने के बाद डालना है, अगर आप शुरुआत में डाल देंगे तो आलू अपना पानी छोड़ देगा और ये नाश्ता चिपचिपा हो जाएगा। इसलिए इस टिप का जरूर ख्याल रखना, पहले आलू को 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेना, ड्राई हो जाए तब नमक डालना। अब इसके बाद हम इसमें 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली है, और इसी के साथ हम इसमें 1/4 चम्मच टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी डालेंगे, और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 2 चुटकी सिर्फ गरम मसाला, ज़्यादा गरम मसाला नहीं जाएगा इसके अंदर। और ये मेरा होममेड है, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर कर देंगे। मसालों को भी हम अच्छे से भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। तो फ्रेंड देखिए सारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं और देखिए आलू का कलर कितना प्यारा आया है। अब इसको हम चटपटा बनाने के लिए इसमें 1/2 नींबू का रस डालेंगे। अगर आपके पास नींबू ना हो तो आप इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं या फिर व्हाइट विनेगर भी डाल सकते हैं। तो सारे बीज मैंने निकाल दिए थे, 1/2 नींबू का रस डालने से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और अब इसमें हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच हरा धनिया, जिसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। हरा धनिया को अच्छे से वॉश करके ड्राई करके कट करके डालना है, थोड़ा सा मोटा मोटा डालना है। तो यहाँ पे हम हरा धनिया को ज्यादा नहीं पकाएंगे, 2 से 3 मिनट पकाने के बाद गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। तो ये देखिए हो चुका है, अब हम इसको निकाल कर ठंडा करेंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है हम इसे साइड में कर देते हैं। तो फ्रेंड आइए चेक करते हैं। तो ये देखिए पोहा हमारा बिल्कुल अच्छे से फूल गया है, छूने पे ही इस तरह से टूटा जा रहा है। अब हमारा ये दही वाला मिश्रण था, इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे सारा का सारा, पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ये देखिए अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, जिसको आप लोग किसी भी शॉप से बाय कर सकते हैं। अगर आपके पास आसपास होगी सुपर शॉप तो मिल जाएगा आसानी से, नहीं तो आप इसमें चावल का आटा भी डाल सकते हैं या फिर सूजी को बारीक करके भी डाल सकते हैं या बेसन भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच बड़ा वाला बेसन डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेक्स्चर मिलेगा नाश्ते को। तो ये गया हमारा 1 बड़ा चम्मच बेसन, और अब इसको हम सारे को अच्छे से मिला लेंगे। पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि हमारा जो दही है उसी से ये बिल्कुल अच्छे से
हो जाएगा, गुन जाएगा। तो बिल्कुल आटे के फॉर्म में हमें इसको लाना है। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा गीला है तो आप इसमें थोड़ा सा चावल का आटा और डाल सकते हैं, या फिर अरारोट का आटा भी डाल सकते हैं, या फिर कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से मैंने इसको कर लिया है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा होना चाहिए आपका, टाइट नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादा आप चावल का आटा मत डालना, नहीं तो टाइट हो जाएगा। तो पोहा देखिए हमारा बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट होता है, तो इसलिए इस तरह से डो तैयार हो चुका है। अब इसको हम 5 मिनट टाइम देंगे ताकि अच्छे से फूल जाए, और 5 मिनट बाद चेक करेंगे। तो फ्रेंड देखिए बिल्कुल अच्छे से 5 मिनट हो चुका है, सेट हो गया है। अपने हाथों पे हम ऑयल अप्लाई करेंगे ताकि ये चिपके ना, क्योंकि ये पोहा है तो सॉफ्ट होगा तो चिपकने का डर है। तो थोड़ा सा ऑयल आप लगा लेना। और अब हम इस तरह से लेंगे और इसकी हम लोई बनाएंगे नींबू के आकार की। आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं, और इसको हम अंडाकार बनाते हुए इस तरह से फ्लैट करेंगे। ये देखिए अब ये हमारा जो मसाले वाला आलू था, इसको भी हम इसी तरीके से सिलेंडर का शेप ले लेंगे, या दे देंगे जो भी आप बोलना। और इसके ऊपर रखते हुए इस तरह से हम इसको शेप देंगे, बिल्कुल अच्छे से छुपा देना है। बहुत ही आसान रेसिपी है, मिनटों में बन जाती है, और टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा इसका फ्लेवर रिच आता है, क्योंकि इसमें हमने दही डाला है। ये देखिए इस तरीके से मैंने रेडी कर लिया है, बाकी भी बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डियर। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने पहला बैच बना लिया है, बाकी मैं बाद में बनाऊंगी। आप इसे बनाकर हवा बंद डिब्बे में भर कर फ्रिज में लगा सकते हैं, जब आपके मेहमान हैं मन करे आप निकाल के तुरंत बना सकते हैं, और बना कर रख देंगे तो आपको पूरे महीने की फुर्सत है। चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं, चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। एक पैन लिया, इसमें हमने तेल लिया, आप चाहे तो इसे डीप फ्राई कर सकते हैं, वैसे स्लो फ्राई करूंगी। तो तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म करना, जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी लीजिए, चाहे कढ़ाई लीजिए चाहे पैन लीजिए, जब आपका तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इस तरीके से हम अपने नाश्ते को इसके अंदर डाल देंगे। बिल्कुल प्यार से पटकेंगे भी, आराम से रखेंगे इस तरह से। देखिए तो एक बार में जितने आ पाए उतने आपको बनाने हैं, बहुत ज़्यादा मत डालना नहीं तो पलटने में दिक्कत होगी। अब इसको हम धीमी धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट तक सिक जाने देंगे अच्छे से, तब इसके बाद टर्न करेंगे, तुरंत ही चम्मच नहीं लगाना है। तो फ्रेंड 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम नाइफ की सहायता से इसको टर्न कर देंगे। देखिए कितना बढ़िया कलर आ चुका है। तो आप इसे बिल्कुल अच्छे से डार्क करना, ताकि ये आप स्टोर करें तो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा डार्क करूँगी, अगर आपकी मर्जी है तो आप इसे लाइट भी कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा कलर आ चुका है, और यहाँ पे हमने इसको टर्न कर दिया। अब दूसरे साइड भी हम इसे 2 मिनट पकाएंगे लो फ्लेम पर। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुके हैं, डन हो गया है ये। ये देखिए अब हम इसको निकाल लेंगे, कितना प्यारा कलर आया है। और अब इसको हम निकाल कर रख लेंगे, और आप चाहे तो इसको गर्मा गर्म भी सर्व कर सकते हैं, चाय के साथ, केचप के साथ, हरी चटनी के साथ, और चाहे तो ठंडा करके भी खा सकते हैं। ठंडा करने पर भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, और गर्म तो ये लाजम। फ्रेंड चलिए फटाफट ये वाला ही बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। डियर रेडी हो चुका है हमारा खूबसूरत सा नाश्ता, जो देखने में जितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, खाने में उससे ज्यादा चटपटा है, हेल्दी है। आप इसे बनाकर पूरे महीने स्टोर कर सकते हैं। देखिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए क्रिस्पी है, ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से काफी ज्यादा सॉफ्ट है, सारे ही क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए चलिए अंदर से तोड़कर आपको दिखाते हैं। अंदर से इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा है, और जो हमने फिल किया था वो बिल्कुल बराबर फिल हुआ है। और आप इसे ये वाली चटनी के साथ खाइए, या केचप के साथ खाइए, जो भी आपको पसंद हो आप इसके साथ खा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको रेसिपी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले, और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। देखिए कितना प्यारा नाश्ता लग रहा है, और इसके अंदर देखिए आलू कितने बराबर से फिल है, और कितने अच्छे से कुरकुरा और क्रिस्पी बना है, और सॉफ्ट बना है। तो बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी लोग इसे बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। तो वीडियो में कुछ भी अच्छे लगे तो कमेंट करके जरूर बताना कि क्या अच्छा लगा। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।